हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज़ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको ई पास कैसे अप्लाई करना है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर। ठीक है, आप लोगों के कई कमेंट आ रहे थे जब मैंने दिल्ली वाली वीडियो पे जो मैंने दिल्ली वाली वीडियो बनाई थी उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, उसके लिए शुक्रिया। और आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि एक यूपी पर भी ऐसी वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा आज इस यूपी वाली वीडियो पर भी यूपी के ई पास पर भी एक वीडियो बनाई जाए। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले, यही यूपी में अगर आप पास बनवाना चाहते हैं ई पास, तो यही उसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट में और किसी वेबसाइट पर जाके आपको ई पास अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। और अब मेन काम पे आता है, अगर आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दें। और आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, ये आपकी ऑफिशियल आईडी है, ऑफिशियल वेबसाइट है सॉरी। आपको ई पास अप्लाई करना है अगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, अप्लाई ई पास, ट्रैक योर एप्लीकेशन और यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अप्लाई ई पास पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको ओपन होने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ तो पहले दे रखा है कि किन किन को ई पास अप्लाई नहीं करना, जो भी औद्योगिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं, जो भी मेडिकल सेवा से जुड़े हुए हैं, ई कॉमर्स के जो भी लोग हैं, और जो आपात चिकित्सालय हैं यानी मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग हैं, और जो दूर संचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों को ई पास अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पर आपको एक यहाँ पे एक कैप्चा कोड डाल देंगे, फिर आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैप्चा कोड भी डाल दिया और अब मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बटन आराम से मिल जाएगा इजिली, ये लिखा भी हुआ। ठीक है, इस पर अब हम प्रेस करेंगे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर जो ओटीपी है वो आ चुका है गवर्नमेंट यूपी की तरफ से। आप यहाँ देख पा रहे हैं गवर्नमेंट यूपी द वन टाइम पासवर्ड ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन। ठीक है, आपका दे रखा है यूपी ऐप इस, यहाँ पे हम इसको कॉपी कोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब जो मेरा ओटीपी था वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो गाइस जो मेरा 6 डिजिट ओटीपी था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑफिशियली जो फॉर्म है वो आ गया है, ई पास एप्लीकेशन फॉर्म केवल लॉकडाउन की अवधि के लिए मान्य। ठीक है, द फील्ड्स आर मार्क विद द आर मैंडेटरी। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दे रखा है, इसको मैंने अपना मिटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे से अपना शुरू करता हूँ, मैं आपको ये फॉर्म दिखाना है एक बार। तो भाई जब सीधा सीधा हम चलते हैं, सबसे पहले समय डालना होगा यहाँ पे अपना नाम, जिसके लिए भी आप पास अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको नाम डालना होगा, फिर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें डालने के बाद आपको सिलेक्ट जेंडर पर हम क्लिक करेंगे, मेल पर हम यहाँ पर डाल देंगे, कम्प्लीट एड्रेस डालना होगा जिस भी जगह पर आप रहते हैं। ठीक है, अपना फिर आपको डालना होगा अपना पास एरिया, जो भी आपका पास है, विद इन डिस्ट्रिक्ट आप चाहते हैं या फिर अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, तो हमें अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट का चाहिए। ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ एप्लीकेंट डालना होगा यहाँ पे, जिस जहाँ पे भी आप रहते हैं। ठीक है, अमेठी, अमारो, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इटावा, जो भी आपका। ठीक है, तो हम अलीगढ़ चुन लेते हैं यहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट हमें जहाँ पर जाना होगा इसके लिए। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ भी प्रयागराज डाल देते हैं, क्योंकि ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ आपको एक अप्लाई कैसे करना है। पास फॉर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये पास चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेल्फ के लिए इस पास चाहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा है, सर्विस ऑफ डिस्क्रिप्शन, रीजन पर्पस, आपको यहाँ पे वो कारण बताना होगा जिसके लिए आपको पास चाहिए। आपको यहाँ पे लिख देना है कि एक जो हमारा काम है वो एक एसेंशियल सर्विस के अंदर आता है, इसलिए जो हमें ई पास है वो चाहिए और यहाँ से हमें यहाँ तक जाने दिया जाए। ठीक है, प्लेस ऑफ विजिट, जहाँ तक आपको जाना है उसकी जगह का आपको एड्रेस डालना होगा। ठीक है, आपको एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन करना होगा, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है तहसील, डिस्ट्रिक्ट, आपको हर चीज़ बतानी होगी। ठीक है, 250 करेक्टरों में वो आप बता सकते हैं। डेट यहाँ पे दे रखी है 25 मार्च से, इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम डेट तो दे ही नहीं रखी है चूज़ करने के लिए, क्योंकि पहले हमें ये फिल करनी होगी कब से कब तक का चाहिए। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, आपको कब से कब तक का पास चाहिए, आगे भी शायद जो लॉकडाउन है वो तो एक्सटेंड हो सकता है। फिर आईडी प्रूफ पे आप क्लिक कर देंगे, आईडी प्रूफ जो भी आपका है। ठीक है, पैन, वोटर, आधार कार्ड, आप जो भी चाहें यहाँ पे सब डाल सकते हैं, फिर वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर आप आधार कार्ड डालेंगे तो आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा जिसका साइज़ 200 KB से कम का होना चाहिए। फिर आप अपनी एक फ़ोटो डाल देंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 100 KB से कम की साइज़ देख लीजिएगा एक, और व्हीकल टाइप में आप अपना चुन लेंगे, जो भी आपका कार, जीप, ट्रक, टू व्हीलर है। ठीक है, फिर नीचे आपको एक ब्लू लाइन देखने को मिल जाएगी, आई हैव डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, इफ़ फाउंड फॉल्स
आई विल बी लीबल फॉर पनिशमेंट अंडर रेलिवेंट लॉज, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर नीचे आपके पास एक सबमिट का बटन आ जाएगा और जिसे आप सबमिट करके अपना भर देंगे और आपको एक आईडी मिल जाएगी। उसके बाद अपना आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करके चेक करते रहेंगे। ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो एक बार फिर से सबमिट का बटन दबा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपको वापस आप आएंगे अपने ऑफिशियल पेज पे, आप जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त होगा, ठीक है। उस बात का आपको ध्यान रखना है, उसको नोट कर लेना है। फिर आप यहाँ पे ट्रैक की और एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे, और ट्रैक की और एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट का बटन दबाने के बाद मिला है वो डाल देंगे, और अपना जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है। फिर आप सर्च और एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे, जो आपको आपका स्टेटस है आपको पता लग जाएगा कि पास आपका जो है वो बना है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, यूपी में ई पास कैसे अप्लाई करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दो मैं, और अपने अभिषेक भाई को सपोर्ट करें। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।